आज भैया रुकमणी खत को लिखने लगी हैं, एक अक्षर लिख लेती हैं, तो एक अक्षर जो लिख जाता है तरोयुग वो नासु टपक पत पर पूरी कापी में करवा चौथ जैसी बेगार करके धर रही है, लेकिन लिखो ना ही बंद कर रही है। हाँ हाँ कि अरे खत लिखत रुकमणी नार साजने हमें ले भाई ले खत लिखने लगी है श्याम सुंदर। हमारे भैया का साला जो ससुराल है वो बारात को लेकर के आ चुका है, आपको जरा भी देर नहीं करनी है मुरली मनोहर श्याम, अगर आप नहीं आए तो रुकमणी मर जाएगी, जीवन में देखने के लिए नहीं मिलेगी श्याम सुंदर। और खत में लिखती है भैया ने गुरु हमारे पिताजी तो तुम्हारे लिए विचार करते हैं, लेकिन हमारा भैया नहीं मान रहे, बुढ़ापा है हमारे पिताजी के ऊपर, भैया हमारा साथ भी नहीं दे रहा है, अपने साली के साथ में शादी करना चाहता है। लिखा भैया ने बुरो कियो है उसका पाल बुलाए लियो है, लिखती है हे दीन बंधु कन्हैया तुम्हारे इंतजार में हम जी रहे, अगर हमें ये पता चल गया तुम नहीं आओगे तो रुकमणी अपने प्राणों को देने के लिए जा रही है। आज रुकमणी ने खत लिखा, खत में यही नहीं समझ में आ रहा है रुकमणी ने तो लिखा का पंडित जी को दे दिया और कहने लगे पंडित जी कहो रास्ता में बैठे के तुम भोजन चक्कर में इंतजार ना करने लगे हो, नहीं तो हमारी चिट्ठी ना पहुंच पावे, पहुंच जाएगी, टेंशन मत लो, टेंशन भरोसा है तुम्हारे ऊपर वैसे।